सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू टू आवर चैनल और ऑलरेडी मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैंने आपको पोम्स की सारी पोइट्री डिवाइसेज और एवरी थिंग मैंने क्वेश्चन आंसरिंग और आपको क्या थीम और मेन मेन पॉइंट्स कवर करने हैं वो मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ जितने भी पोम्स के मैंने वीडियोज़ डाली हैं तो इस वीडियो को भी पूरा देखना और इसको चाहे टू एक्स की स्पीड पर देखना वन पॉइंट फाइव एक्स की स्पीड पर देखना ट्वेंटी फोर को आपका पेपर है ही तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और यहाँ से आप सारे पोम्स को रिवाइज़ कर सकते हैं कल तक ये सारी वीडियोस डल जाएंगी आज जो डल रही है आप इसको अभी देख सकते हैं और साथ साथ इसको 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू इन टू द टॉपिक तो so, आज का टॉपिक है आन जेनिफर्स टाइगर विच इज़ अ वेरी 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 गुड पोम जिसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है हमारी पोएट के द्वारा बेसिकली इसकी जो पोएट हैं वो हैं एंड्रीना रिच एंड्रीना रिच और इनका बर्थ हुआ था 1929 में इन बेल्टी मैरीलैंड यूएसए में इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन मूवमेंट में पार्ट लेती थी, थी और उसको पोएट और थियोरिस्ट के द्वारा जताती थी, थी ठीक है शी हैज़ पब्लिश नाइनटीन वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री थ्री कलेक्शन ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स ठीक है उन्होंने एसेज भी लिखे हैं राइटिंग्स भी लिखी हैं थ्री कलेक्शन है मतलब उनके एसेज एस की और पोएट्री को भी यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है अ अस्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस

दिखाया है कि एक शादी में आने के बाद एक मैरिड लाइफ लाइफ कैसे चेंज होती है इफ़ शी गेट्स अ टॉक्सिक हस्बैंड राइट कि अगर उनको टॉक्सिक हस्बैंड मिल जाए सो हाउ शी डील विद और वो कैसे डील करेंगी उसको और उससे कभी बाहर आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी और उनकी डेथ तक क्या वो उस चीज को सर्वाइव करेंगी नहीं करेंगी कैसे रहेगा उस सब चीजों को यहां पे दिखाया गया है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखा देती हूँ इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला गया है Uh pen is here वुमेन एक्सप्रेसिस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स थ्रू हर आर्ट बेसिकली इस वाली पोम में जो ये आंट जेनिफर हैं ये कुछ आर्ट बनाती हैं और उस आर्ट से अपनी जो सप्रेस्ड फीलिंग है जो उनकी फीलिंग्स को दबाया गया है आज तक उनके पति के द्वारा वो यहाँ पे वो उसको अपने आर्ट में दिखाती है मतलब एम्ब्रॉयडरी करती हैं और यहाँ पर उसको दिखाती है फिर आन जेनिफर बेसिकली एक विक्टिम है विक्टिम इन द सेंस उनको एक टारगेट बनाया गया है कि अपने हसबेंड से कितना टॉर्चर और वो सब चीज़ें वो झेलती हैं कितना डरती है, उस हैं उस चीज़ को यहाँ पे हम पढ़ेंगे हैज़ नो वन टू टेल

मारते हैं पीते हैं तो उस फीलिंग्स को उन चीज़ों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया गया है फिर है विशेज टू बी पावरफुल एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर बट फेल्स और ये भी बताया गया कि वो चाहती हैं उस टाइगर की तरह बोल्ड बनना प्राउडली घूमना और कॉन्फिडेंट होना बट फाइनली शी फेल्स जब वो अपनी डेथ की तरफ जाएंगी ठीक है तो अब जरा पोम पढ़ लेते हैं विच इज़ आन जेनिफर स्ट्राइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइटो पास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीग शिवालिक सर टेंटी यहाँ पर जो प्रांस का मतलब है प्रांस हेयर बेसिकली मीन्स कोई भी चीज़ जो इधर से उधर आराम से घूम सकती है बिना किसी दरबाओ के सो शी इज कि उनका जो टाइगर है जो वो टाइगर एम्ब्रॉयडरी से बना रही हैं एम्ब्रॉयडरी होती है ना जैसे हम सिलसिला के जो बनाते हैं अपने उस पर तो वो उनका जो वो टाइगर है वो फ्रीली इधर से उधर जंप कर रहा है अक्रॉस द स्क्रीन स्क्रीन वो हो गई जिसपे वो बना रही हैं ब्राइट टोपास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बेसिकली ब्राइट टोपास टोपास क्या होता है ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन होता है ठीक है और यहाँ पे जो वो येलो कलर्ड स्टोन है उसको बेसिकली कंपेरिजन किया गया जो लायन है सॉरी जो टाइगर है नॉट लायन टाइगर है उसकी वो येलो येलो जो उस पर स्ट्रिप्स होती हैं उसकी बॉडी पे उससे कि वो इतना ब्राइट येलो है ठीक है दे डो नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री और बेसिकली डेनिजेंस का मतलब यहां पे क्या होता है कि जहाँ पे वो एनिमल रहता है उसको जहाँ वो रह रहा है वहाँ उसको कोई डर ही नहीं है वो फ्रीली घूम रहा है कोई उसको डरभाव नहीं है ही इज ओपनली रोमिंग हेयर एंड देयर जैसे उन्होंने मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि जो आंट जेनिफर हैं वो अपने घर में भी खुल के नहीं जी पा रही हैं वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं जबकि जो लायन है वो अपनी डेनिजन अपनी जहाँ पे वो प्लेस में रह रहा है वो फ्रीली ब्राइटली येल्लो अपने टेक्स्चर में बहुत ग्लोइंगली वो अपना इधर से उधर फ्रीली घूमता है बिनीथ द ट्री दे पीस इन स्लीक शिवालिक स्लीक मतलब एलिगेंट हो गया और शिवालिक मतलब कर्टियस स्पेशली टू वमेन तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट अपजिट दिखाया गया है कि दे पेस इन एलिगेंट बेसिकली जो आन जेनिफर के हस्बैंड हैं ही इज़ नॉट एट ऑल अ जेंटल मैन वो बिल्कुल भी उनको ऐसी चीज़ नहीं बिहेव करते हैं जैसे उनको करना चाहिए एक वमेन की तरफ इस पैराग्राफ में जो पोइट्रिक डिवाइसेस है मैंने मेंशन करे हैं बेसिकली इमेजरी दिखाया गया है फियर स्ट्रिकन डिप्रेस्ड वाइफ मैग्निफिकेशन बेसिकली हम इसको आराम से कवर कर लेंगे फिर आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार टू पुल द मैसेव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवेली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड तो यहाँ पे आन जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है जैसे हमारे हाथ कांपते हैं डर के मारे कि हम लोग किसी चीज़ को पकड़ने वाले जैसे हमें हम होता है ना किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वी जस्ट स्टार्ट लाइक शेकिंग आर हैंड्स हमारे हाथ ऐसे कांप कांप के काम करते हैं so, सो ऐसे ही उनको होने लगा कि इरेगुलर और हम बोल सकते हैं इनक्विक मूवमेंट्स ठीक है थ्रू हर वूल तो जब वो उसको सिल रही हैं उसको जब सिल रही हैं तो उनको इतना हैवी वेट लग रहा है कि वो उस एक सुई को भी नहीं पकड़ पा रही हैं यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों को दिखाया गया है शी हैज़ वर्कड हर लाइफ एंटायरली इतना काम किया उन्होंने अपने पूरे जीवन में कि अब वो उनकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी है और उनकी बॉडी एक नॉर्मल से निडल को भी एज अ वेट ले रही है दूसरी चीज फियर ऑफ हस्बैंड और वो अपने हस्बैंड से इतना डर रही हैं मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आंट जेनिफर है उनकी ये हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करना और वो उस चीज़ को कर रही हैं तो वो उस चीज से डर रही हैं कि अगर उनके हस्बैंड आ गए तो कैसे वो उस चीज़ को करेंगी और वो डर डर के काँप काँप के अपनी हॉबी को परस्यू कर रही हैं द मैसे वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिर्फ हेविल अपॉन आन जेनिफर्स हैंड अब वेडिंग बैंड का मतलब क्या है जो वेडिंग रिंग होती है ठीक है वेडिंग रिंग मतलब अब यहाँ पर वेडिंग रिंग की उन्होंने दो पॉइंट बोले हैं कि एक तो वो नॉट अफोर्डेबल है मतलब ये दिखाना चाहती हैं कि जो आंट जेनिफर हैं वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी अपने हस्बैंड पे कि वो अपने लिए एक रिंग नहीं ले सकती जो उनके हस्बैंड ने दी थी ठीक है शी इज़ टोटली डिपेंडेंट सेकेंड चीज़ दैट इज़ अ बर्डन पहले जो उनको वो रिंग मिली थी इट वॉज लाइक आउट ऑफ लव बट उनको ऐसे लव में कुछ नहीं मिला जस्ट इट शी गॉट दी बर्डन बर्डन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है जो बेसिकली मैरिड लाइफ में आती है जब व्हेन वी गेट मैरिड तो हमें एक मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है दूसरी चीज यहाँ पे बर्डन बोला गया है जो उनको सप्रेशन मिला है जो उनको डिप्रेस किया गया है जो उनको यहाँ पे मतलब उन पर बर्डन बनाया गया है उनके हस्बैंड के द्वारा कि मतलब शी डिडेंट गेट दी हैप्पी लाइफ फिर है वेन आंट इज डेड Uh, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the pattern that she made will go on prancing proud and unafraid yahan pe ye bola gaya hai jo basically uh, aunt hai jab wo marengi bhi जब वो मरेंगी भी her terrified hands will lie. और उनके वो जो डरे हुए हाथ थे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे लेकिन मरने के बाद भी वो रिंग उनकी मतलब वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक जो बर्डन है वो जो एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपनी लाइफ में लिया मतलब इवन आफ्टर डेथ शी इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से वो सेपरेट नहीं होंगी और उनके टॉर्चर सप्रेशन जो जो भी उन्होंने पूरी लाइफ में देखा है वो अभी भी उनके साथ बरकरार रहेगा ऑन दी अदर हैंड जो टाइगर है वो प्राउडली इधर से उधर घूमेगा अनफ्रेड कॉन्फिडेंटली और उसे कोई नहीं रोक सकता ठीक है सो इस पोम में ये सब चीज़ें एक टाइगर के द्वारा एक कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया कि जैसे वो टाइगर है वो वैसे ही बोल्डली बाहर अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहती हैं डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहती हैं और डिस्कशन करना चाहती हैं अपने हस्बैंड से जो उनको अपनी एंटायर लाइफ में नहीं मिला है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पोम जो इन्होंने बेसिकली दिखाना चाहा है पोएट ने ठीक है वर्ड मीनिंग एंड ऑल दैट इज इन योर बुक सो उसको इतना कोई रेफरेंस नहीं है वो आपको मीनिंग मैंने वैसे पोम में ही करा दी है अब ज़रा तो आ जाता है पोइट्रिक डिवाइसिस पे पहला पोएट्रिक डिवाइस जो यहां पे यूज हुआ है विच इज इमेजरी इमेजरी बेस काइंड ऑफ होता है कि हम कुछ इमेजिनेशन डाल देते हैं किसी एक उसमें जो कि एक्चुअली में नहीं सेट बैठता है विच इज फियर स्ट्रिकन डिप्रेस्ड वाइफ मैग्नीफिशन टाइगर्स ये सब चीज़ें इमेजरी में आ गई फिर मेटाफर अगर ब्राइट टोपास ब्राइट टोपास मेटाफॉर वही हो गया ना जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं तो यहाँ पे मेटाफर हो गया फॉर टाइगर जो टाइगर की येलो स्ट्राइप्स हैं उसका कंपैरिजन हुआ है टोपास टोपास जो येलो कलर का स्टोन होता है फिर एलिट्रेशन एलिट्रेशन यहाँ पे जैसे कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हुआ है जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग तो एफ एफ ठीक है प्रांसिंग प्राउड तो पी पी तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एलिट्रेशन ला रही हैं फिर सिम्बॉलिज्म सिम्बॉलिज्म में यहाँ पे क्या है टाइगर्स आर बीइंग गिवन क्वालिटीज़ लाइक प्राइड बेसिकली सिम्बॉलिज्म क्या है कि जो टाइगर्स हैं जो सिम्बोलिज्म होता है कि किसी नॉन लिविंग चीज़ को आ, और जैसे किसी एनिमल में हम कोई ऐसी हैबिट दिखाएं है जो ह्यूमन की होती है तो यहाँ पर दिखाया गया टाइगर्स को हमने एक उनकी क्वालिटी दिखाई है लाइक प्राइड कॉन्फिडेंस अनअफ्रेड ऑफ ह्यूम्स मैन एक्सेट्रा तो यहाँ पर उनको सिम्बोलाइज किया गया मतलब उसको ऐसा दर्शाया आया गया है तो जो यहाँ पर टाइगर है पूरी स्टोरी में वो एज अ सिंबल है कि उसका क्या दिखाया जा रहा है कि वो टाइगर की तरह प्राउड होना चाहती हैं और बोल्डली घूमना चाहती हैं कॉन्फिडेंटली बिहेव करना चाहती हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं वो सब चीजें फिर हाइपरबोल यस हाइपरबोल होता है मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना किसी भी चीज को तो हेवी वेडिंग बैंड बेसिकली अगर हम बोले तो ये जो वेडिंग रिंग होती है हैवी नहीं होती है ठीक है इसका वेट कुछ भी नहीं होता है बट यहाँ पे उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि ये ही एक वेडिंग रिंग उनकी पूरी जिंदगी की एक ऐसी चेन बन गई थी शी गॉट बर्डन उनके ऊपर एक बर्डन पड़ गया था और अब वो इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकती थी और उन्हें वो हस्बैंड का टॉर्चर झेलना नहीं था ठीक है फिर है राइमिंग स्कीम इस वाले में राइमिंग स्कीम है विच इज़ ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ मतलब हर पैराग्राफ में दो दो दो, दो लाइन का राइम बन रहा है जैसे अगर हम देखें तो पहली दो लाइन में स्क्रीन ग्रीन है ना फिर ट्री सर्टेनटी फिर है वूल पूल हैंड हैंड लाए बाय मेड अफ्रेड। तो सब में वो ए ए बी बी राइम बन रही है फिर परसोनीफिकेशन येसली यह और यहाँ पे जो हमारा शिवालिक सर्टेनिटी ये परसोनीफाई किए गए ठीक है ये सारे पोलट्री डिवाइसेस थे ये पोम के मीनिंग थे इंट्रोडक्शन था अब जरा मेन चीज पे आ जाता है विच इज थीम यहाँ पे थीम जो है सब्जेक्ट ऑफ मेक मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी यहाँ पे बेसिकली इस पोम में जो तो दिखाया गया वो दिखाया गया है कि कैसे हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है और एक बंधन में आने के बाद शादी में के बाद जो वुमेन को सप्रेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है यहाँ पे दिखाए गए हैं कन्फ्लिक्ट इशूज स्ट्रगल जो एक वुमेन फेस करती है इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फिर कॉन्स्टेंट ऑफ मेरिड लाइफ मेरिड लाइफ के कुछ साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं और यहाँ पे बेसिकली uh, एम्ब्रॉयडरी को सिंबल दिखाया गया है ऑफ हर हस्बैंड ठीक है और सिम्बलाइज एज अ वुमेन्स क्रिएटिव एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है फिर द वुमेन गिव बर्थ टू मैन और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई गई है कि वुमेन ही बर्थ देती है मैन को और वही मैन बड़े होकर वुमेन पे टॉर्चर करते हैं तो आप अगर इनकी वर्ड्स को कवर कर दोगे और इससे रिलेट करके पोम को एक्सप्लेन कर दोगे सो यू विल गेट ऑल फुल मार्क्स और इसमें पोम में इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है राइट सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बाकी की वीडियो के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो जस्ट स्टडी वेल इट्स योर बोर्ड टाइम आपका ही फायदा है स्कोर वेल सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल गेट ऑल ग्रामर वीडियोज टूडे इट्स सेल्फ ठीक है तो उनको देखना फॉर्मेट को पढ़ना और अपनी सिले मिस्टेक्स अवॉइड करना सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबर चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़